जीते रहो बेटा, खुश रहो। आए बेटा, देख लो कहीं हैदर का फोन ना हो, कोई जरूरी काम हो। जी। आप देख रहे हैं हैदर साहब, यह है ब्रेन ट्यूमर। उनका बीपी जरा सा भी हाई होता है तो ब्लड क्लॉट्स फौरन इसको हिट करेंगे, और इसको हिट करने का मतलब सडन डेथ। मैं तो आपसे यही कहूंगा, जितना भी मुमकिन हो किसी किस्म की भी कोई टेंशन वाली बात या जिससे कि उनका ब्लड प्रेशर हाई हो वो नहीं होनी चाहिए। ये मेरी आपको ताकीद है, ब्लड प्रेशर किसी भी सूरत में नहीं बढ़ना चाहिए, और इसके लिए आपको बहुत क्लोज मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी। अरे, उसने इतने प्यार से तुम्हें सलाम किया और तुम हो के अम्मा के पास भागे चले आ रहे हो। अच्छा, आज बैठ जाओ। हैदर, वो जो तस्वीरें तुम्हारी शादी के एनलार्ज होने को दी थी, वो आखिर कब देगा? मैं तो बेचैनी से इंतजार कर रही हूं। मैंने तो सोचा है सारे घर में तुम दोनों की तस्वीरें लगाऊंगी, और वो जैसे पुराने जमाने में नहीं होता था राजे महाराजों की बड़ी बड़ी तस्वीरें, वैसी एक तस्वीर लाउंज में लगानी चाह रही हूं। पता तो करो उनसे। हाँ, क्यों नहीं, जो आपका दिल आए करें। एक्चुअली मैं भूल गया था, मैं कल करता हूँ उसको कॉल, कहता हूँ जल्दी बना दे हमारी पिक्चर्स। दिलनशीन, कुछ दवाइयां हैं ये सुबह शाम देनी है, खाने से पहले है। उसने सारी डिस्क्रिप्शंस में लिखी हुई है। वो चक्करों वाली दवा है? जी माँ, वो भी है। हाँ, ये अलबत्ता अगर कमजोरी हो रही हो तो दिन में 2 से 3 मरतबा, ज्यादा फील हो तो 4 दफा भी पी सकते हैं। ओके, ठीक है। The real point is, ये ब्लड प्रेशर और
शुगर चेक करना बहुत ज़रूरी है, मॉनिटर करना होगा हर थोड़ी थोड़ी देर के बाद, और याद से लिखना भी होगा। मैनेज कर लोगी अब? किसी नर्स को रखो। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं कर लूँगी। अरे बेटा, जरा से चक्कर आ रहे हैं, उसके लिए क्या नर्स रखनी? जी माँ, एमल कब तक थी रात में? काफी देर तक थी, लेकिन तुम फिक्र नहीं करो, अगर ऐसी ही कोई बात हुई तो मैं बाबरा को सुला लूंगी कमरे में। हाँ, जैसे आपका दिल करे। दोस्त कर लो कॉल, अभी बाद में कर लूंगी। आप मम्मी की दवाइयां समझा रहे थे। शायद मैं सब लिखा हुआ है, वो भी दे दीजिए। मैं रखती हूँ, मैं चेंज कर रहा हूँ माँ। हाँ बेटा जाओ, फिर खाना खाते हैं। जाओ शापस चेंज करो, इतनी ढेर सारी दवाएं ले। कहना था आपको? कहिए। थैंक यू। नो प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम तो था तुम्हारे लिए। एक बात पूछूं आपसे? क्या महमल ने मना किया था आपको? नहीं। तो फिर उसके होते आपने मुझे कहा अम्मी का ख्याल रखने के लिए? माँ को ज्यादा खुशी होती है जब तुम उनके पास होती। बिल्कुल बच्चों जैसी। बस कोशिश करना उनका ब्लड प्रेशर हाई ना, और उनके साथ जो भी प्रॉब्लम है प्लीज वो किसी से शेयर मत करना।
मैंने तुमसे कहा था ना कि अभी ही अभी उससे तलाक मांगो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं सच मुझ जान ले लूंगा अपनी। You want to see? ये देखो, मजाक के मूड में बिल्कुल नहीं होंगे निशी। मैं वाकई अपनी जान ले लूंगा अभी के अभी उससे तलाक मांगो। अभी के अभी। पागल हो गया तुम्हारे प्यार में, पागल हो गया। मैं तुम्हारे प्यार में बहुत आगे आ चुका हूँ दिलनशीन, अब पीछे जाने का कोई रास्ता नहीं है, समझो इस बात को। तुम्हें कब कह रही हूँ वापस जाने का हमजा? तो अभी के अभी उससे तलाक मांगो। मैं उनसे तलाक नहीं मांग सकती इस वक्त। क्यों? वो बहुत परेशान है, उन्होंने मुझसे कुछ वक्त मांगा है और मैं इस वक्त उनसे कुछ नहीं कह सकती। उनके घर में हूं, उनके निकाह में। यही तो मसला है यार, यही तो मसला है कि तुम उसके निकाह में हो। जब चाहे तुम्हारे करीब आ सकता है, जब चाहे तुम्हारा हाथ थाम सकता है, यही तो मसला है। नशीन, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा यार। हमजा प्लीज चुप करो। तुम मेरी परवाह नहीं है ना? अगर परवाह ना होती तो इस वक्त मैं तुमसे बात ना कर रही होती। अगर तुम्हें मेरी परवाह है तो भी तलाक मांगो उससे। अगर वो देता है तो ठीक है, नहीं तो हम कोर्ट में जाएंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन तुम्हें उससे अलग होना पड़ेगा दिलनशी। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बहरी उमूर महमूद मौलवी कहते हैं कि सीवियों पर फंसे जहाज से डीफ्यूलिंग का अमल शुरू हो चुका है। डीफ्यूलिंग के बाद जहाज निकालने का थोड़ी देर में कॉल बैक करती हूं। मकसद शहबाज शरीफ के हत्या के इज्जत के दावे का जवाब जमा करा दिया। कहा शहबाज शरीफ का दावा इस अदालत के दायरे इख्तियार में नहीं आता, इस दावे को जुर्माने के साथ खारिज किया जाए। शहबाज शरीफ ने पैनामा लीक्स के मामले पर इमरान खान के खिलाफ हत्या के इज्जत का दावा दायर कर रखा है। आपसे कुछ बात करनी थी। बल्कि एक इजाजत लेनी है। निकाह में हो अभी मेरे, खुल के बात कर सकती हूँ उनसे। अगर आप इजाजत दे दें तो हमजा को अम्मी की तबीयत के बारे में बता दूं। वो दरअसल वो समझ रहा है कि आप मुझे तलाक नहीं देंगे। शायद नीयत खराब हो गई है आपकी। आप शायद आसानी से मुझे ना छोड़ें। शायद मैं भी आपके साथ रहना चाहती हूँ। उसे लग रहा है कि शायद मैं उसे इसीलिए इंतजार करवा रही हूँ। आपने कहा था ना कि मम्मी की तबीयत के बारे में सिर्फ आपको, मुझे और डॉक्टर शाहिद को पता है और किसी और से ये बात शेयर ना करूँ।
इसीलिए आपकी परमिशन मांग रही हूँ। अगर अगर आप इजाजत दे देंगे तो हमारा रिश्ता टूटने से बच जाएगा। अगर आप मुझे बता दें तो मैं उसको जवाब दे दूं। बहुत जिद्दी है हमजा, खुदकुशी की धमकी दे रहा था मुझे। धमकी क्या, अपनी जान ले भी सकता है। जब हमारी शादी का सिलसिला चल रहा था तब भी उसने खुदकुशी की कोशिश की थी, मरते मरते बचा था। क्या कह सकता हूं, बेगर्स कांट बी चूजर्स। बस एक रिक्वेस्ट कर लेना उससे मेरी तरफ से, मेरी माँ तक ये बात न पहुंचे। कैसी बेबसी है ये, कैसा अजाब है। काश मां अभी बीमार ना हुई होती, काश मैं इतना बेबस ना होता, काश मंजर बदल जाए और मैं अपनी पुरानी बेरंग जिंदगी में लौट जाऊं। रिश्ते जिन्हें हम हार चुके होते हैं फिर भी अपने जिंदा रहने का एहसास क्यों दिलाते हैं। ये रिश्ते खून के हों या स्याही से लिखी हुई किसी तहरीर के हों, आखिरी दम तक पूरी आबोताब से जीते हैं। आखिरी सांस तक सर उठाए फखर से अकड़े खड़े होते हैं। ये मुझे आग क्यों लग रही है, हालांकि वो अपना फैसला सुना चुकी है, उसे वापस जाना है उसी के पास, उसी की फिक्र करेगी ना वो, मेरी क्यों करेगी। मेरी तो इंसानियत के नाते मदद कर रही थी। आज फिर आंसू जांच रहे हो? हाँ। क्या हुआ? कुछ नहीं। तो फिर आंखें क्यों भीग रही? पुरानी आदत है इनको। आज इतने अजनबी से क्यों लग रहे हो? तकाजा है वक्त का।
हालात का। दोस्ती हो गई है बीवी से? हाँ। फिर भी? हाँ फिर भी। कैसे गुजारोगे जिंदगी? गुजर जाएगी। अब तुम मुझसे बात ही नहीं करना चाहते तो चली जाती हूँ मैं। कर तो रहा हूँ बात। हर बात का गोलमोल जवाब दे रहे। बस वो नहीं कह रहा जो तुम सुनना चाह रही। साफ साफ क्यों नहीं कह देते कि मेरी जिंदगी से चली जाओ? मैं नहीं कह सकता। समझी नहीं? मैं इस वक्त एक ऐसा जख्म बन चुका हूं कि जो भी मेरे नजदीक आएगा उसे ही मर्स लग जाएगा। इसे कुछ अरसा कुछ ना कहो, किसी तसल्ली किसी दवा की जरूरत नहीं है मुझे। ना बिखर गया हूं कोई भी नहीं जोड़ सकता मुझे। मशक लग रहा है। उसे सौ दफा पुकारा है दिल ने मगर मेरे दिल की बात वो सुन न सका। जो आंखों में थी मेरे आंसुओं की तरह बिखरी वो ख्वाहिशें चुन न सका। दरअसल वो समझ रहा है कि आप मुझे तलाक नहीं देंगे। शायद नीयत खराब हो गई है आपकी। आप शायद आसानी से मुझे ना छोड़ें। दिलनशीन मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे डर लग रहा है कि वो पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि वो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा इतनी आसानी से। छोड़ देंगे। मैंने बात कर ली है उनसे। इस घर में उनका पुराना प्यार रहता है और शायद उन दोनों की भी आपस में बात हो चुकी है। आंटी महमल को एक्सेप्ट नहीं करेंगी इसलिए उनकी जिंदगी तक थोड़ा वक्त मांग रहे हैं। नहीं, अब आई डोंट केयर। तुम उससे बात करो, कोई कंडीशन लगाओ और मेक श्योर करो कि वो तुम्हें तलाक देगा। आर यू आउट ऑफ योर माइंड हमजा? वो परेशान है। मैं इस वक्त उनके साथ मजीद शरायत नहीं रख सकती। बस एक बार
एक बार प्लीज से दे आई लव यू, से दे आई लव यू हमजा, प्लीज जस्ट से दे आई लव यू, से दे मशीन, से दे आई लव यू हमजा, से दे हमजा। मुझे लगता है कि तुम्हारा दिमाग मुकम्मल तौर पे खराब हो चुका है। मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, प्लीज खुदा हाफिज़। समझ गया है वो, मैंने बता दिया है कि ये टॉप सीक्रेट है। हाँ, टॉप सीक्रेट, मियां बीवी और महबूब के दरमियान। दवाओं से भी आपका आराम नहीं आ रहा है? बिल्कुल नहीं, या अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम बेटा। तबीयत कैसी है बाप की? कुछ ज्यादा अच्छी नहीं। हैदर से कहो कि शाहिद ने जो दवा चक्करों के लिए दी उससे कोई अफाका नहीं हो रहा। हैदर ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहे हैं, अभी आते ही होंगे। आप इनको दवाई दे दीजिए अब तक। अरे देखो जाके देखो तो सही। मैं जा रहा हूँ ऑफिस। अच्छा बेटा, आपकी तबीयत कैसी है? ज्यादा ठीक नहीं है, मुझे लगता है दवा सूट नहीं कर रही। दिलनशीन नहीं है? दिलनशीन वॉशरूम में है, उल्टियां हो रही हैं उसे। क्या हुआ, खैरियत है? बस वॉमिटिंग हो रही है। बैठ जाओ। You're not eating well. Barbara, ORS वगैरह तो ला दो। हैदर, बेटा ऐसा करो, जरा शाहिद को कॉल करो और उससे कहो क्लिनिक जाने से पहले यहाँ होता दवा जाए। जी अम्मी। ठीक हो जाए। हाँ शायद, कहाँ हो तुम? इतनी देर कर दी है आपने, शायद और ऐसे दे सकते हैं। हाँ दे सकते। मैं तुम्हें भी टेस्ट लिख के दूंगा, तुम भाभी को लेकर जाओ और करवा कर आ जाओ। शाहिद बेटा, अब तुम हमसे भी पैसे बनाओगे? अरे क्या हो गया आंटी, आप सुबह सुबह मेरी क्लास क्यों ले रही हैं? भाई इसलिए कि ये तुम डॉक्टर्स जो इतने लंबे लंबे टेस्ट लिख के दे देते हो। अब चलो मेरे लिए तो ठीक है, लेकिन मेरी जवान जहान बहू को इतने टेस्ट लिख के देने के बजाय साफ साफ क्यों नहीं कहते कि आंटी
मुबारक हो, आप दादी बनने वाली हैं। अरे क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? आंटी बहुत बहुत मुबारक, आप दादी बनने वाली हैं। टेस्ट तो सिर्फ कंफर्म करवाने के लिए। You sure? Yes, फिर भी तुम अपनी तसल्ली के लिए टेस्ट करवा दो। अच्छा भाई, टेस्ट की रिपोर्ट्स तो आती रहेंगी, लेकिन तुम वापसी में मिठाई जरूर लेकर आना, और हाँ सारा को भी बता दें। वहाँ रुक जाएं जरा। नहीं आंटी, अभी उन्हें रहने दें, टेस्ट मेरी लेबोरेटरी में होगा। जैसी रिपोर्ट आएगी सबसे पहले मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा। और हाँ याद रखिएगा, रिजल्ट वही आएगा जो मैंने अनाउंस किया। इंशाल्लाह। मेरे ख्याल में ले जाओ, इसके टेस्ट और चेकअप वगैरह हो जाए तो अच्छा ही है। हिम्मत कर लो बेटा, जाओ हैदर के साथ। चले। और तुम वहां क्या खड़े हो, आके माँ को प्यार तो दो। चलो उठो दिलेश। बीमार थी, इतने टेस्ट हुए आपके, कितने कमजोर हो गई हैं, मुझे बताया क्यों नहीं आपने? अल्लाह ना करे जो मैं बीमार हूं, बस थोड़ी कमजोरी है, चक्कर आ जाते हैं। शाहिद ने कहा आराम करें। ताई अपनी हैदर और दिलनशी नजर नहीं आ रहे, कहाँ हैं वो लोग? वो दोनों मेरी रिपोर्ट्स लेने गए। माँ कैसी रिपोर्ट्स? अरे बेटा, दोनों मियाँ बीवी बाहर निकले हैं, किसी काम से गए होंगे, अब इतनी तफ्तीश क्या करनी। अरे देखना मेरा फोन बज रहा है, जल्दी से लाना। यार हेलो। हाँ शाहिद बेटा, हाँ हाँ बोलो। आंटी मैंने आपसे कहा था ना कि मैं अर्जेंट बेसिस पे आपकी बहू का टेस्ट करवाऊंगा। वो तो ठीक है, लेकिन खबर क्या है? आपको बहुत बहुत मुबारक हो, गुड न्यूज है। अरे सच? अरे बेटा ये तो बहुत खुशी की बात बताई तुमने, अल्लाह मुबारक करे। थैंक यू बेटा, अल्लाह तुम्हारी उम्र दराज करे, खुश रहो, जीते रहो। ओके। अरे बेटा अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उसने ये दिन दिखाया, तुम दोनों अम्मा अब्बा बनने वाले हो। माँ माँ प्लीज ये मत कीजिए, प्लीज आप बैठिए। आप अच्छी तरह से जानती हैं एग्जर्शन आपके लिए अच्छी नहीं है। हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, उसको तो देखो। बेटा इधर आ जाओ, आराम करो। शाबाश। नहीं मैं ठीक हूँ, मैं अपने रूम में जाके आराम करूंगी। इनके तो मिजाज ही नहीं मिलते। खबरदार जो मेरी बहू को किसी ने कुछ कहा, वो बहुत अच्छी लड़की है, मेरी बहुत खिदमत करती है। अल्लाह अल्लाह करके इस घर पे खुदा का करम हुआ है, हम खुश हैं, अच्छी अच्छी खबरें आ रही हैं। तुम होके बस अपनी अब ये अपनी अजारादारियां अपने घर में जाके पूरी करो। माँ आप सारा को क्यों डांट रही हैं?
देखे ना भाई मैंने क्या कहा है। अरे बेटा डांटूं क्यों नहीं, मुझे नहीं पसंद है कि शादीशुदा बेटियां हमारे घर में आके और उसमें इंटरफेयर करें।